NEET 21 में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि NEET 23 में जब मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया तब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जबकि मैंने दोनों ही साल में बहुत मेहनत की थी और इक्वल मेहनत की थी। बट एक मेजर रीज़न जिस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वो था ऐसी कुछ गलतियाँ जो मैंने इस आखिरी के एक महीने में नीट 2021 के टाइम पे की थी, एंड मैंने उन गलतियों को समय के साथ सुधारा जिस कारण से नीट 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि आप खुद वो गलतियाँ करें और अपनी गलती से सीख कर अपने एक दो साल वेस्ट कर अपना सिलेक्शन कराएं, जबकि मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें एंड खुद को पहले इम्प्रूव करके रखें जिस कारण कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको इस आखिरी के 30 दिनों में अवॉइड करनी चाहिए वो बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में आपको। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु गुंजो, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC रतलाम। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनको इस आखिरी के टाइम में आपको अवॉइड करनी चाहिए, और ये जो गलतियाँ हैं वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में। तो अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका इस साल सिलेक्शन जरूर होगा। बट अगर आप इनमें से कोई एक गलती भी करते हैं यार, तो मैं सही बता रहा हूँ इस 25 लाख की भीड़ में कब खदेड़ दिया जाओगे ये पता नहीं पड़ेगा और आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। मिस्टेक नंबर फर्स्ट, कि अपने वीक टॉपिक को बार बार पढ़ना और उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करना, बजाय कि अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको रिवाइज कर उसको अच्छा बनाना। कोई भी एक बड़ी जंग हो या फिर कोई भी एक बड़ा युद्ध हो, हमेशा जीतने वाला यही करता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है और उसकी स्ट्रेंथ को इतना अच्छा बना देता है कि उसके ऊपर अगर कोई वार करे तो अपन हारने नहीं चाहिए। जो आपका वीक है उसके ऊपर कभी भी वार होगा आप उसमें हमेशा कमजोर रहेंगे और पीछे रहेंगे। बट अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उस पर भी अगर आप दूसरों से पीछे रह गए तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना यह है आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि यार उससे कोई भी क्वेश्चन आए अपना गलत नहीं होना चाहिए। बजाय कि वीक से अगर इजी आ गया तो अपन बना लेंगे, बट कठिन आया तो अपन छोड़ दे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टेक नंबर टू है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ इस कारण से टेस्ट नहीं देना। सब लोग यही मानते हैं यार कि अभी भी मेरा कुछ पोर्शन बचा हुआ है, काम करता हूँ मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर टेस्ट दूंगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक ध्यान रखना, कभी भी आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा सिलेबस कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ खत्म कर दूँ देन टेस्ट दूँ। मेरे हिसाब से आपको हमेशा ही पार्ट सिलेबस एंड अब तो वो टाइम है जिसमें आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, एंड उन टेस्ट में जो भी आपका वीक पोर्शन रहता है जिससे आपके क्वेश्चन गलत होते उस टॉपिक को आप पढ़ो, बजाय कि आप पूरे सिलेबस को बार बार पढ़ के 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो। उससे अच्छा पॉइंट है कि जो आपको गलतियाँ मिल रही है उन गलतियों को टेस्ट के द्वारा सुधारते जाओ, ना कि पूरे पोर्शन को 100% एक्यूरेसी के साथ एक जैसा करने की कोशिश करो। मिस्टेक नंबर थर्ड है रिग्रेट। सभी लोग क्या करते हैं, आजकल एक ट्रेंड है कि अपन सुबह उठते ही या फिर पहले दिन रात को एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, और बनाने भी चाहिए जिससे कि आपका टारगेट क्लियर हो गया आपको अगले दिन पढ़ना गया। बट जब उस टारगेट को अपन 100% अचीव नहीं कर पाते तो एक अंदर से रिग्रेट का रह जाता है, और वो रिग्रेट जो रहता है वो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कम करता रहता है। तो मेरा मानना यह है यार कि कोई भी हो, मैं खुद भी जब तैयारी करता था ये टू डू लिस्ट बनाता था, बट कभी भी 100% टारगेट रोज का अचीव हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा 70-80% अचीव होता है और ये एक आइडियल है, और आइडियल सभी नीट एस्पायरेंट 99.99% जनों के साथ यही चीज़ होती होगी। बट मेरा मन में ये है कि अगर आप इस तरह की लिस्ट बनाकर अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आपको हर वीक में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप कोई भी टारगेट डिसाइड ना करो, और जो आपके रोज का रह चुका है उसको आप कवर करने के लिए उस दिन को सेपरेट रखें, क्योंकि आपका 100% टारगेट रोज का अचीव होना कोई 100% गारंटी नहीं है, वो पूरा होगा ही होगा। मिस्टेक नंबर फोर है NCERT को अवॉइड करना। मतलब कि यार पूरे साल अपन कहीं बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह से पढ़ते हैं, उनके मॉड्यूल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आखिरी के समय में मैं कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी कोचिंग से पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। NCERT को छोड़कर किसी भी बाहरी चीज़ को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। NCERT एक ऐसी चीज़ है जिससे नीट का पेपर बनता था, बनता है और बनता रहेगा। बट अगर आप अभी भी उन मॉड्यूलों के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आप मेजर मिस्टेक कर रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को धीरे धीरे पीछे ले जा रहा है यार, आपसे दूर ले जा रहा है। क्योंकि जब मैंने पहली बार तैयारी की थी तो क्या हुआ था, मैं कोचिंग के मॉड्यूल, कोचिंग के नोट्स, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे नोट्स तो दिखते थे, तो उन्हीं को पढ़ने का मन करता था बजाय कि वो NCERT की टफ लैंग्वेज को पढ़ने की जगह। तो मैं क्या करता था, उन्हीं को पढ़ता रहता था। बट जब पहली बार मैंने नीट दिया तो मेरे को पता पड़ा यार कि NCERT लाइनों से क्वेश्चन आए और मैं उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाया क्योंकि मैंने कभी भी NCERT पहले पढ़ नहीं रखी थी। तो मेरा ये मानना आखिरी के समय में बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT तो बहुत बार पढ़ डालो, फिजिक्स की NCERT के जो हाईलाइटेड पॉइंट है
उस चीज एनसीआईटी में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो और फायदा उठा लो उस चीज का। और एनसीआईटी को आखिरी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, बजाय कि नोट्स पढ़ने की जगह फिजिक्स में आप नोट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें फॉर्मूले लिखे हुए, बट उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दें। मिस्टेक नंबर 5 है पेपर को एनालिसिस नहीं करना। आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड कौन से सही हुआ कौन से गलत हुआ कितने नंबर आए काउंट करके बस साइड में रख दिया। बट ये एक मेजर मिस्टेक है। और 99% जो नीट एस्पायरेंट है जो कि फेल होते हैं हर साल नीट में, वो यही काम करते हैं। और उनका जो माइंड रहता है वो इस तरह का चलता है यार कि यार बहुत कम नंबर आए, 600 में से 400 नंबर आए, क्या ही एनालिसिस करें, एनालिसिस तो वो लोग करेंगे जिनके 650 में ऊपर आते। तो ये आप बिल्कुल गलत हो। मैंने कई ऐसे एग्जांपल देखे जिनके 400-450 नंबर आते थे नीट के 10-10 दिन पहले तक, बट वो यार पूरी शिद्दत से अपने हर टेस्ट को एनालिसिस करते थे, हर क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करके रख देते थे कि यार क्यों गलत हुआ, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। इस कारण से क्या होता था कि वो उस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते कि उस टॉपिक से आने वाला कोई क्वेश्चन अब हमसे गलत ना हो। इस कारण से वो धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधारते गए और नंबर बने उनके 400 आते थे, क्योंकि कोचिंग जो सेट करती है पेपर वो ऐसा ही करेगी कि वो नीट से थोड़ा लेवल ऊपर रखेगी। इस कारण से उनके मार्क्स 400 से 500 के बीच में आते थे, बट नीट में उन्होंने 650 प्लस स्कोर किया और आज वो बेहतर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैं यही कहूँगा आपके नंबर भले 300 आए, 400 आए, 500, 600, 700 कुछ भी आए, 700 आए आ भी रहे तो भी वो 4% उनसे गलत हुए, उनको एनालिसिस करो और उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि इन 5 गलतियाँ अगर आप अवॉइड करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बट अगर आपने भी इन्हीं गलतियों को इस आखिरी के समय में दोहराया तो मैं 100% श्योर हूँ यार इस साल तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 25 लाख बच्चे इस साल नीट में हैं, अगले साल और 5 लाख बढ़ जाएंगे, 30 लाख हो जाएंगे। बट ये जो नंबर है वो बढ़ता रहेगा, कंपटीशन बढ़ता रहेगा, बट अपना सिलेक्शन अपने हाथ में है। अपन को कम से कम मिस्टेक करनी है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है जो आपको अपने सिलेक्शन के पास ले जाएगा। बट अगर आप वही गलतियाँ करते रहे, वही सारी मिस्टेक करते रहे, तो इस साल तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस साल या किसी साल नहीं होगा जब तक कि आप ये गलतियाँ करेंगे। मैंने 2021 में जब तैयारी की एनसीईआरटी को अवॉइड किया, जब 22 में मैंने तैयारी की फिर भी मैं कोचिंग के बड़े बड़े नोट्स पढ़ता रहा, एनसीईआरटी को अवॉइड किया, बट 23 में ही पता चल गया कि एनसीईआरटी जब मैं पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने एनसीईआरटी को छोड़ के पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। 25 से 30 बार मैंने बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैं कहूँगा आप भी इसी तरह की एनसीईआरटी को पढ़े और इन सारी गलतियों से दूर रहे और अपने सिलेक्शन को पक्का करे। वो मेडिकल कॉलेज, वो अप्रूवल, वो स्टेटस को आपका वेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो। इसी तरह से किसी और वीडियो में मिलेंगे आपको बढ़िया मोटिवेशन और बढ़िया गाइडेंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।